बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने डाटा शीट और डिजाइन व्यू के थ्रू टेबल को क्रिएट करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम फील्ड नेम, फील्ड डाटा टाइप, फील्ड डिस्क्रिप्शन और फील्ड प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना सीखेंगे। यानी एक टेबल में आप फील्ड्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इन एमएस एक्सेस, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी टेबल को क्रिएट करते वक्त जो सबसे पहला एलिमेंट हमें डिफाइन करना होता है वो होता है इस टेबल का नेम डिफाइन करना। अगर हम बात करें एक स्टूडेंट के टेबल की, तो यहाँ हम मल्टीपल फील्ड्स डाल सकते हैं। स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस और फोन नंबर और कोर्सेज वगैरह। और यही फील्ड्स दरअसल कहलाती हैं फील्ड्स नेम, जिसको हम दरअसल इस कॉलम्स के हेडर के ऊपर डिफाइन करते हैं। यानी ये जो कॉलम की फर्स्ट लाइन होती है, इसमें दरअसल हम अपने टेबल के फील्ड्स को डिफाइन करते हैं, यानी फील्ड नेम को लिखते हैं। दोस्तों, फील्ड नेम डिफाइन करने के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हमें डिफाइन करना होता है वो होता है फील्ड की डेटा टाइप डिफाइन करना। और दोस्तों, फील्ड की डेटा टाइप ये बताती है कि किस टाइप का डेटा हम अपने इस फील्ड के कॉलम में इंसर्ट करेंगे। तो दोस्तों, एमएस एक्सेस आपको कई तरह की डेटा टाइप फराहम करता है, जैसे कि टेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपका जो डेटा है वो अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों पर मुश्तमिल होगा, तो आप अपनी फील्ड की डेटा टाइप टेक्स्ट रखते हैं। और टेक्स्ट में भी वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेक्सचुअल डेटा टाइप्स, शॉर्ट टेक्स्ट एंड लॉन्ग टेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपका टेक्सचुअल डेटा जो है वो 255 कैरेक्टर तक ही मुनहसर है, यानी आपके डेटा की जो टेक्सचुअल डेटा की लेंथ कम है, तो आप फिर शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप को चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके टेक्स्ट की जो टाइप है वो ज्यादा बड़ी है, लंबी है, कोई पैराग्राफ है या किसी चीज की डिस्क्रिप्शन है, तो उसके लिए फिर हम लॉन्ग टेक्स्ट की डेटा टाइप को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप है नंबर्स। दोस्तों, आमतौर पर हम डेटाबेस में टेबल्स में रखे डाटा पर कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करवा सकते हैं। तो ऐसे में हम टेक्स्ट डाटा टाइप का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए एमएस एक्सेस आपको जो डाटा टाइप प्रोवाइड करता है वो है नंबर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप है डेट एंड टाइम। दोस्तों, डेटाबेस में अक्सर हम डेट्स को भी या टाइम को भी स्टोर करवाते हैं, कि आमतौर पर अगर हमें किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ को सेव करवाना है डेटाबेस में, तो उसके लिए जो हम डेटा टाइप यूज करेंगे वो होगी डेट एंड टाइम, जिसके जरिए हम 100 से लेकर 9999 ईयर्स तक की डेट्स को स्टोर करवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है करेंसी डेटा टाइप। दोस्तों, अक्सर हम कंपनीज या बिजनेस के लिए डेटाबेस बनाते हैं जिनमें हमें करेंसीज को हैंडल करना होता है, तो उसके लिए जो डेटा टाइप एमएस एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है वो है करेंसी डेटा टाइप। नेक्स्ट है ऑटो नंबर डेटा टाइप। दोस्तों, अक्सर जब हम एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेस एक टेबल भी साथ ही क्रिएट कर देता है। इसके हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जब हमने एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट किया था, तो बाय डिफॉल्ट एक टेबल ऑटोमेटिकली वहां पर क्रिएट हुआ हुआ था। तो अगर आप गौर करते तो उस टेबल की जो डेटा टाइप थी वो थी ऑटो नंबर और उस टेबल का नाम था आईडी। तो एमएस एक्सेस उसकी डेटा टाइप ऑटो नंबर क्यों रखता है, क्योंकि आमतौर पर हम अपने टेबल में जो प्राइमरी की बनाते हैं वो आईडीज को ही बनाते हैं, और ऑटो नंबर से मुराद है कि अब ये जो नंबर है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा और इस नंबर को कोई और रॉ को ये नंबर नहीं दिया जा सकता। यानी ये जो डेटा टाइप होगी ये हर एक रॉ के लिए यूनिक होगी। कि किस तरह से हम डिफाइन करते हैं ये अभी हम आगे इसके इम्प्लीमेंटेशन में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है यस एंड नो। दोस्तों, जिस तरह बूलियन एक डेटा टाइप थी सी लैंग्वेज में, क्योंकि सिर्फ एक बिट को स्टोर करती थी, वो बिट या तो जीरो हो सकती थी या फिर वन, ऐसे ही एमएस एक्सेस में बूलियन के बजाय उस डेटा टाइप का नाम है यस स्लैश नो। अगर आप यस को सिलेक्ट करते हैं तो उस डेटा टाइप में वैल्यू स्टोर होगी वन, और अगर हम नो को सिलेक्ट करते हैं तो वैल्यू स्टोर होगी जीरो। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें डिफाइन करनी होती है टेबल की फील्ड्स की, वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड। यानी दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड जो है ये आपकी ऑप्शनल होती है, आप चाहे तो इसको फिल कर सकते हैं। इसको फिल करने का फायदा ये होगा कि जब आप कभी बाद में भी अपना डेटाबेस देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस फील्ड के अंदर क्या क्या वैलिडेशंस लगी हुई हैं, इस फील्ड का नाम स्टूडेंट क्यों है, इसकी डेटा टाइप क्या है। तो ये चीजें आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी।
लेकिन याद रखिए ये ऑप्शनल है, आप इसको फिल करें तो भी अच्छा है, अगर आप नहीं फिल करते तो भी डेटाबेस आपको किसी किस्म का कोई एरर नहीं जनरेट करेगा। और आखिर में है फील्ड प्रॉपर्टीज। तो उस फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर आपने एक फील्ड का नाम डिफाइन कर दिया, उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी। अब अगर आप उस फील्ड पर कोई वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं कि आया इस फील्ड के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ही लिखें, इस फील्ड के अंदर हम सिर्फ 5 नंबर्स को ही लिख सकते हैं, या आप कोई रूल अप्लाई करना चाह रहे हो, आप कोई फॉर्मेट अप्लाई करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि डेट्स को लिखने के मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं, तो वहां पर आप कोई फॉर्मेट लिख दे के यहाँ पर जो डेट हम लिखेंगे इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें अगर आप एडिशनल चीजें डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एमएस एक्सेस आपको फील्ड प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपनी फील्ड पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एमएस एक्सेस। दोस्तों यहाँ पर हमने एक ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें एक टेबल भी मिलता है क्रिएट हुआ हुआ। तो अब हम एक टेबल और क्रिएट करते हैं, और क्योंकि अब हम इस टेबल को बनाने जा रहे हैं, क्रिएट करने जा रहे हैं, तो टेबल को क्रिएट करने से पहले याद रखिए आप उस टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, और उसके लिए जो आप व्यू सिलेक्ट करेंगे वो है टेबल डिजाइन। यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट किया है टेबल 2 के नाम से, और यहाँ पर टेबल को क्रिएट करने के बाद अब हमें फील्ड्स को डिफाइन करना है। फील्ड्स के लिए हमें एमएस एक्सेस चार चीजें प्रोवाइड करता है, फील्ड नेम डिफाइन करना, फील्ड की डेटा टाइप डिफाइन करना, फील्ड की डिस्क्रिप्शन देना, और फील्ड की प्रॉपर्टीज डिफाइन करना। तो दोस्तों हम क्योंकि एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसके अंदर हम फील्ड्स रख लेते हैं कि स्टूडेंट आई डी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट फीस, स्टूडेंट स्टेटस, वो प्रेजेंट है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले फील्ड नेम डिफाइन कर दिया। अब आप जिस भी फील्ड को अपनी प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे वो ऑटो नंबर होगी। तो ऑटो नंबर एक ऐसी डेटा टाइप है जो कि आमतौर पर यूनिक होती है। तो आप सबसे पहले, क्योंकि मैं इस स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगी और ये मैंने प्राइमरी की लिख दिया। अब दोस्तों सेकेंड चीज हमारे पास आती है फील्ड की डेटा टाइप को डिस्क्राइब करना, उसकी डेटा टाइप को डिफाइन करना। यहाँ बाय डिफॉल्ट शॉर्ट टेक्स्ट जो है वो डेटा टाइप डिफाइन हुई हुई है। अब हम यहाँ पर डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट आई डी आमतौर पर दोस्तों ऑटो नंबर होती है, तो यहाँ पर हमने ऑटो नंबर सिलेक्ट कर लिया। स्टूडेंट नेम जो है इसके लिए हम शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे, क्योंकि नेम जो है वो आमतौर पर टेक्सुअल होता है और ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट ले लेंगे। लेकिन अगर आप इसकी फाइल इस टेक्स्ट को और रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ताकि ये हमारा डेटाबेस में ज्यादा स्पेस को कवर ना करे, तो फिर हम इस फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर इसका फील्ड साइज भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई स्टूडेंट नेम जो है वो 25 कैरेक्टर्स तक मुश्तमिल हो। और यहाँ पर हम साथ के साथ वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स हो स्टूडेंट नेम के अंदर वो ग्रेटर देन 25 नहीं हो। और यहाँ पर हम वैलिडेशन टेक्स्ट लिख देंगे कि अगर ये ग्रेटर देन 25 होता है, ये मैसेज प्रिंट हो जाए कि स्टूडेंट नेम कैन नॉट इंक्रीज के बाद दोस्तों स्टूडेंट एड्रेस ये हो जाएगा, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। स्टूडेंट एज जो है वो दोस्तों हम नंबर्स में देंगे, क्योंकि एज आमतौर पर हमारी नंबर में होती है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की, तो यहाँ पर हम यहाँ वो दे सकते हैं, वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं कि एज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 23, और रूल भी अप्लाई कर देंगे यहाँ पर टेक्स्ट भी। के बाद डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि
इसके लिए हमारे पास एक मौजूद है डेटा टाइप डेट एंड टाइम के नाम से, तो हमने इसकी डेट एंड टाइम लिख दी है। स्टूडेंट फीस हमेशा करेंसी में होगी, तो हमने करेंसी के अंदर लिख दी है। अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू जो है, डिफॉल्ट वैल्यू से मुराद है क्या, फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर आप ये लिखना चाहते हैं कि पहले से जो है डिफॉल्ट वैल्यू मौजूद हो जीरो, तो आपने यहाँ पर जीरो लिख दी है। इसी तरह स्टूडेंट स्टेटस जो है, इसके अंदर हम यस और नो लिख देंगे कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने फील्ड नेम, डेटा टाइप और फील्ड की प्रॉपर्टीज को, और अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये तमाम चीजें डिफाइन करने के बाद आप इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक का बटन दबाएंगे, लिखेंगे, और यहाँ पर हम इस टेबल को नाम दे देते हैं कॉलेज स्टूडेंट के टेबल का, और ये आप देख सकते हैं कि ये टेबल आपका जनरेट हो चुका है। अब दोस्तों अगर आप इसका डाटा शीट व्यू देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, एज, और एज में डिफॉल्ट वैल्यू आप देख सकते हैं पहले से मौजूद है। इसी तरह से स्टेटस के अंदर ये यस एंड नो की, यहाँ पर ये करेंसी के अंदर रुपीस ऑलरेडी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक टेबल के अंदर फील्ड्स और फील्ड्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ एज लिख देते हैं। इस तरह से दोस्तों एक टेबल के अंदर मौजूद फील्ड्स को डिफाइन किया जाता है। अगले लेक्चर में हम इसी टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना और डाटा को डिलीट करना आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।